शांति निवास चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स के लिए न्यूजीलैंड में लॉकडाउन सीरीज के दौरान जबकि हमने सब का साथ है प्रोग्राम शुरू किया, तो हम चाहते थे कि सब हम मिलकर हमारे समाज के लोगों के साथ मिलकर जो तन्हाई है, जो अकेलापन है, शायद वो दूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम करीब आ रहे हैं। तो आज फिर से एक बार हमारे साथ नीलिमा वेंकट जी हुए हैं, विजय जी हुए हैं, और ऑफकोर्स नेशनल पार्टी के लिस्ट एमपी हमारे कमलजीत बख्शी जी हुए हैं। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हुए नीलिमा जी, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ और यहाँ से आप कार्यक्रम को संभालें। थैंक यू हेमंत जी, एंड थैंक यू बख्शी जी, आप समय निकाल के हमारे शो पे आए, वी रियली अप्रिशिएटेड। कैसे सब आप, कैसे है एवरीबॉडी ऑन गुड एट होम? हम ये जाना जी। हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं करना चाहता था आपके सभी मेंबर्स को शांति निवास के, और खास तौर पे आप विजय जी और हेमंत जी, जो ये एक प्रोग्राम लेके आए अपने सीनियर्स के लिए कि इनफॉर्मल तरीके से इस लॉकडाउन में हम किस तरह टाइम बिता रहे हैं और कैसे बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मेरे को मौका दिया। थैंक यू एंड वेलकम वंस अगेन। बख्शी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, सबका अपना अपना बबल है, आपका बबल कैसा चल रहा है? बबल बहुत बढ़िया चल रहा है नीलिमा जी। शायद आपको मालूम है कि नहीं कि लॉकडाउन के तुरंत पहले मैं इंडिया में था, तो इंडिया से फिर मेरे को अपना ट्रिप कट शॉर्ट करके अपनी वाइफ के साथ वापस आना पड़ा, और तभी अनाउंस किया गया कि हमें 14 डेज की आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, और सेल्फ आइसोलेशन में। तो घर के अंदर ही हम अपने कमरे में एक तरह के, जिसे कहते हैं, लॉकअप में थे। हालांकि बच्चे जो हैं हमारा लुक आफ्टर कर रहे थे, खाना हमें पहुँचा रहे थे, बट थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ा कि उन दोनों के साथ हम ज़्यादा 2 मीटर से ज्यादा क्लोज ना आए। बट वो 14 दिन जो थे हमने अपने कमरे में बिताए, और बच्चों ने खूब ध्यान रखा, अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाए, और हमने खूब इंजॉय किया। पर एक समय आ गया था कि अब लग रहा था कि थोड़ी सी मूवमेंट जो है उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए, पर वो 14 दिन के लिए हम कहीं नहीं जा सके। घर के अंदर भी हम अपने आप को एक रूम में लॉक रखा, पर एक एडवांटेज था कि हमने हेल्थ लाइन से ये पूछा कि क्या हमारा जो हमारा पेट है घर पे, उसको हम अपने नज़दीक आने देना चाहते हैं कि नहीं, दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो काफ़ी उस एंक्शियस हो रहा था कि मेरे को क्यों नहीं इनके पास जाने दिया जा रहा, मुझे क्यों ब्लॉक किया हुआ है। तो एनी हाउ उन्होंने कहा कि पेट्स को आप अपने पास बुला सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता था। बट मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ दोनों जो हैं, वो तकरीबन 2 मीटर का जो फासला था उन्होंने मेंटेन किया। नया एक्सपीरियंस था। मेरे को याद है कि मेरे फादर पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव होते थे, और आपको मालूम है कि इंडिया में पॉलिटिक्स में जो भी व्यक्ति होता है, और ख़ास तौर पे पंजाब पॉलिटिक्स से रिलेटेड अकाली जो है, वो बहुत ज़्यादा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह में जाते हैं और गिरफ्तारी उनकी होती है। तो मेरे फादर तकरीबन 72 times अपनी लाइफ टाइम में वो गिरफ्तार हुए, तो उनसे हम कई बार पूछते थे कि जेल के अंदर कैसा होता है। तो वो हालांकि वो पॉलिटिकल रीजंस से जाते थे, तो वो कहते थे कि जितना मर्जी फैसिलिटी हो, उनको अर्दली भी मिलता था, इंडिपेंडेंट रूम भी होता था, टॉयलेट फैसिलिटी भी होती थी, उनके यही अल्फाज होते थे कि जेल तो जेल है बेटा, जब मर्जी मिल जाए अंदर, सोने की भी जेल बन जाए, पर घबराहट होती है एक टाइम पे। तो वो चीज़ महसूस की कि 14 दिन के लिए हम एक कमरे में बंद थे, पर उसके बाद अब हम पिछले 3 हफ्ते से तकरीबन अपने घर में एटलीस्ट वॉक थ्रू कर सकते हैं, और हमें बाहर जाने के लिए भी इजाज़त है कि थोड़ी वॉक करने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो सुबह शाम मैं और वाइफ दोनों वॉक करने के लिए भी जाते हैं। तो इस तरह टाइम बीत रहा है। बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स देखे, ख़ास तौर पर जो अभी प्रोग्राम मैं बहुत जैसे कहते हैं कि मजे से देख रहा हूँ, वो साईं बाबा के ऊपर जो प्रोग्राम है, वो उसकी जो टीवी सीरियल चल रही है सोनी के ऊपर, यूट्यूब पे उस पर उसके पुराने एपिसोड्स हैं, उसको बहुत मजे से देख रहा हूँ, तो उसमें काफी टाइम बीत जाता है। बाकी दिन में कोई ना कोई पॉलिटिकल जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, खास तौर पर जो इंडिया में फंसे हुए हैं, उनके साथ काफी मेरी बातचीत होती रहती है सोशल मीडिया पे, उनके क्या क्या इश्यूज हैं, वो मिनिस्ट्री से बातचीत करके
उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। होपफुली 24 तारीख को पहली फ्लाइट जो है दिल्ली से चलेगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 300 के करीब लोग जो हैं वो वापस आएंगे। तो इस तरह टाइम बीत रहा है, नया एक्सपीरियंस है, बट एंजॉयिंग इट। जी आप इंडिया में थे जब भी आपने ये न्यूज के बारे में सुना होगा, am I right? तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी एंग्जाइटी थी हर किसी के मन में, ये क्या हो रहा है। और क्योंकि जिस दिन हम दिल्ली लैंड किए थे उस टाइम पे वहाँ पे वो हर किसी को टेम्परेचर ले रहे थे, उनकी डिटेल्स ले रहे थे, और जब मैं वापस न्यूजीलैंड आया तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक फॉर्म भरवा के आगे भेज दिया गया। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि भाई अभी हम न्यूजीलैंड में इतना सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज को जितना कि बाकी दुनिया ले रही है। सिंगापुर में जब मैंने ट्रांजिट किया तो वहां पे तो वो बड़े स्कैनर्स लगा रखे थे कि जो भी व्यक्ति वहां से निकल रहा था हर किसी को वो स्कैन कर रहे थे, अगर किसी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हाई था तो उसको अलग से ले जाते थे। पर न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ नहीं था, हमें ये कहा गया था कि 14 दिन के लिए आपको सेल्फ आइसोलेशन में जाना है, जो हमने बकायदा से किया 14 दिन के लिए। और पर ओवरऑल इंडिया में भी एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि किस प्रकार से इसको हैंडल किया जाए। और मैं समझता हूँ कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, अभी भी कुछ हज़ार लोग ही वहाँ पे इफेक्टेड है, और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो कुशल मंगल रहे और ठीक ठाक रहे। प्रार्थना करते हैं वो तो सही है, अच्छी बात है, हम भी वही प्रार्थना करते हैं। आप तो शायद गए ही होंगे गोल्डन टेंपल और वहां पर भी प्रार्थना किए होंगे। जो आपके पीछे जो फोटो फ्रेम में लगा हुआ है वो क्या गोल्डन टेंपल है या कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल विजय जी, ये फोटो जो है एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने महाराजा रंजीत सिंह गोल्डन टेंपल की परिक्रमा में बैठ कर पाठ सुन रहे हैं वो उन्होंने उस टाइम पे बनाई थी। और ये फोटो मेरे को काफी पसंद आई, मैंने एक बुक में देखी थी इसको, तो उसका रेप्लिका जो है पेंटिंग का जो है लाइफ साइज मैंने बनवा कर अपने घर में लगा रखा है। और एक काफी अच्छी प्रेरणा मिलती है कि महाराजा रंजीत सिंह जो कि उस टाइम पंजाब के रूरल थे, कि वो गोल्डन टेम्पल की परिक्रमा में बैठ के किस प्रकार से गुरबानी सुन रहे हैं, और काफी एक अच्छा अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। वेरी नाइस, बढ़िया लग रहा है। और इतना अच्छा लग रहा है कि उस याद को आप न्यूजीलैंड में आके लगाया है और आपके घर में है वो दृश्य आपको एवरीडे देखने के लिए, आई थिंक इट इज वेरी नाइस। बख्शी जी, जो आपने अभी आपका आइसोलेशन का एक्सपीरियंस बताया है, आई थिंक आवर सीनियर्स आर गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन एट द मोमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर 70+, वो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेवल 3 में भी शायद वो निकल नहीं सकते, आगे जाके भी पता नहीं कब वो निकल पाएंगे। एंड तो उनके लिए आप कुछ कहिए, कुछ एंकरेजमेंट दीजिए कि हाउ दे कैन पास देयर टाइम एंड सम सेफ्टी मेजर्स। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो हमारे 70+ सीनियर्स हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। अगर हम पूरी दुनिया में देखें कि इटली में अगर एग्जांपल लें तो उनकी जो एवरेज एज जो बंदे वहाँ पे इफेक्टेड हुए और जिनकी डेथ हुई वो 80+ है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासतौर पे जो 70+ है, कि वो अपने आप को आइसोलेशन में रखें, अपने बबल को बिल्कुल सीमित रखें, किसी बाहर लोगों से मेल जोल ना करें, और सैनिटाइजेशन का बहुत महत्व है, उसको पूरा फॉलो करें, बिल्कुल जिसे कहते हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका सबसे जो मेन बचाव में ही बचाव जिसको कहते हैं हिंदी में, कि अगर हम बचाव करेंगे तो उसमें ही हमारा बचाव है। तो मेरा आपके सभी सीनियर से, सब बहुत सयाने हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे आपके मेंबर्स हैं, उन सब से मैं यही आग्रह करूँगा कि किसी प्रकार का कोई रिस्क ना लें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी संस्था शांति निवास, जैसा कि मैंने लोगों को बताया भी है कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, आप जूम पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोगों को फ़ोन कॉल करके उनके वेलबींग के बारे में पता कर रहे हैं,
ग्रोसरीज उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है उनके बेनिफिट के लिए हैं, और उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी प्रकार से किसी का रिस्क ना लें। अगर आपको कुछ लगता है कि किसी प्रकार से आपको खांसी जुकाम हो रहा है, तो तुरंत अपने जीपी को कॉन्टेक्ट करें ताकि आपका टेस्ट किया जा सके। और मैं उस दिन पढ़ रहा था कि इंग्लैंड में जो लोग इफेक्टेड हुए हैं वो अपना टेस्ट और अपनी स्मेलिंग पावर लूज कर जाते हैं। एक बहुत बड़ा ये एक पॉइंट है जिस पे आप गौर कर सकते हैं कि अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और अगर आप अपना टेस्ट लूज कर रहे हैं या स्मेलिंग पावर लूज कर रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि हो सकता है कि आपको ये वायरस का जो है इफेक्ट हो रहा हो। तो तुरंत अपने जीपी को संपर्क करें, 111 पे फोन करें, हेल्थ लाइन को फोन करें ताकि आपकी देखभाल की जा सके, और किसी से संपर्क ना करें, मेरा यही आग्रह है। और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, न्यूजीलैंड काफी सेफ रहा है। हालांकि जितने भी जो केसेस हैं वो ओवरसीज से ज्यादा आए हैं, तो अगर हम बॉर्डर पे और ज्यादा सख्ती कर लेते पहले ही, तो ये इससे भी कम में हमारा छुटकारा हो सकता था। बट स्टिल वी आर वेरी लकी कि यहाँ पे डेथ टोल जो है इतना ज्यादा नहीं है, इफेक्टेड लोग भी नहीं है, पर बचाव में ही बचाव है, ये मेरा आग्रह है। थैंक यू फॉर दोस एनकरेजिंग वर्ड्स बख्शी जी, रियली हेल्प्स आवर सीनियर्स, उनको भी अच्छा लगता है कि आपने आके एड्रेस किया है। नीलिमा जी। हाँ जी, हमारा सीनियर्स एक्चुअली फेस टू फेस बहुत मिस करते हैं, एंड स्पेशली हमारा जो मनुरेवा सीनियर्स है वो आपके बड़े फैन है, आपको मालूम है, और आपका कढ़ी चावल प्रोग्राम का तो बड़े फैन है, तो उन्होंने संदेश भेजा है कि बख्शी जी को बोलना जब ये सब खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम जरूर जाएंगे उनके पास कढ़ी चावल खाने के लिए। मेरा वादा है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जब कभी आपको लगेगा कि अब प्रोग्राम हम मनरेवा में कर रहे हैं, मेरे को इतला कर दीजिएगा, हम फिर से एक बार वो प्रोग्राम करेंगे। और मैं यहाँ पे एक गुजारिश भी करना चाहूंगा कि मेरा मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध है, अगर कोई 2-4-5 मिनट के लिए मेरे साथ बात करना चाहता है, कुछ अपने व्यूज शेयर करना चाहता है, कोई कंसर्न शेयर करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम कि आप मेरे को फोन कॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हिंदी पंजाबी में मैं बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी। पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं शायद कोई आधा घंटा बात करना चाहता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बट 5-10 मिनट का टाइम, अगर 2-4 कॉल्स रोज की मेरे को आएंगी, तो मैं उनको एकोमोडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओह, दे वुड रियली लाइक दैट। एंड बख्शी जी, आपको मालूम होगा शायद, इफ यू आर वाचिंग अवर फेसबुक, हम लोग आजकल एक फैशन शो का आयोजन किया हुआ है, एंड वी हैव गॉट अबाउट 50 एंट्रीज फॉर दैट फैशन शो, एंड हमारा सीनियर्स का ये भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उनको फॉलो करें और लाइक करें। जरूर जरूर, मैं जरूर उसको फॉलो करूंगा, और जो भी मेरे से सपोर्ट हो सकेगी जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एक बात जरूरी कहना जरूरी है कि कुछ लोग लोगों के कार्य को सराहते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, बख्शी जी उनमें से हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्रम में जाते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, या वहां पे जो आयोजक है उनकी भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि एक वो भी जरूरी है कि उनको एक्नोलेज किया जाए। सो आई थिंक हेड्स ऑफ कि ये सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है, और जैसे इस इंटरव्यू से बख्शी जी आप उनके और करीब है, उनके घर में, उनके मोबाइल में उनके और करीब गए हैं, तो यही जो हमारी सबकी दोस्ती है और ये जो प्रयास है न्यूजीलैंड में सबका साथ रखने का, वो यूं ही बरकरार रहे। थैंक यू बख्शी जी, एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर सपोर्ट। आप काफी सालों से शांति निवास से जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 20 इयर्स अभी, एंड यू हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव एंड एक्नॉलेजिंग द वर्क वी डू, वी रियली अप्रिशिएट दैट। एंड आफ्टर ऑल दिस इज ओवर, हम जरूर आपको बुलाएंगे और चाय पकौड़े भी खिलाएंगे। नीलिमा जी, मैं कोई आपकी झूठी तारीफ नहीं करता, क्योंकि आप जेन्युइनली लोगों की शांति निवास में, जैसा कि आपने कहा, मेरा 20 साल से एक नाता बना हुआ है आपके साथ, और आप सब, खासतौर पे आप चार जो तीन अभी जो बैठे हैं यहाँ पे, और भी जो आपके वॉलंटियर्स हैं, चाहे ज्योति हैं, चाहे अनु हैं, और कई हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अतुल रहमान हो गए, याज खां हो गए, सब लोग, आप इतने प्यार से लोगों की देख रेख करते हैं कि वो फैमिली का जो माहौल है, लोग जो मिस करते हैं, उस चीज को आप
बरकरार किए हुए, तो आपका मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि इस प्रकार से आप सबका धन्यवाद कर सकूं। थैंक यू फॉर दैट एंड वी होप एंड प्रे दैट हमारा सीनियर सब सेफ रहे एंड दे कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन सेफली एंड इन गुड हेल्थ एंड दैट इज व्हाट वी ऑल वांट एंड वंस अगेन थैंक यू हेमंत जी आल्सो for supporting us through this period and creating this Zoom show and helping us with all the technology. And Vijay ji, thank you so much. Yes. Thank you. Once again, namaste. Thank you so much. Thank you, Hemant ji. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.